यूपी के हापुड़ जिले के थाना देहात पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध नकली और अपमिश्रित शराब को तैयार कर दूध के वाहन में छिपाकर तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब से संबंधित कई उपकरण सहित एक वाहन को अपनी गिरफ्त में लिया है। आइए देखते हैं हापुड़ से समयदीन की एक खास रिपोर्ट। जी, थाना हापुड़ देहात पुलिस टीम ने कल चेकिंग के दौरान रात्रि में दो अवैध और अपमिश्रित शराब बनाने वाले और बेचने वाले अभियुक्त गण को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। ये बुलंदशहर के रहने वाले हैं। इन अभियुक्तों के नाम कैलाश चंद और संजय है। इनके पास से शराब, अपमिश्रित शराब और अवैध शराब बनाने के उपकरण और भारी मात्रा में बरामद हुए हैं, जिनका विवरण मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें सबसे उल्लेखनीय बात है कि ये एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल जो कि 5 जेरिकेन में बरामद हुआ है इनसे, पूछताछ पे इन्होंने बताया है कि नकली रैपर और नकली मार्का की शराब बनाकर इस एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल की मदद से उसको डाइल्यूट करके यूरिया मिला के अपने स्विस शराब ये बनाते थे और इस शराब को ये उत्तराखंड में ले जाके खपाते थे। एक और उल्लेखनीय बात है कि इनके पास से जो पिकअप बरामद हुई है उसमें ये दूध लेके सप्लाई करते हैं उत्तराखंड में, और उसी में छिपा के ये शराब लेके जाते थे और वहाँ खपाते थे। यहाँ यूपी में सख्ती की वजह से ये कार्य उत्तराखंड में ले जाके करते थे। और ये जरिकेन बोतल, इनके जरिकेन ये 5 बरामद हुई हैं इनके पास से अवैध शराब की, और भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। इनको आज माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। प्राथमिक पूछताछ से कुछ अन्य नाम भी प्रकाश में आए हैं जिसमें भविष्य में हम कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर, और भारी मात्रा में शराब बरामद करने का प्रयत्न करेंगे। सर, कुछ ऐसी आशंका है कि ये जो मिस इंडिया शराब देखते थे कि ठेकों पे शराब सप्लाई होती थी? देखिए, ठेके पे सप्लाई नहीं होती थी, जैसा कि आपको बताया मैंने कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा सख्ती की वजह से ये इस कार्य को यहाँ से ले जाके और ट्रांसपोर्टेशन करके उत्तराखंड में करते थे। जिस तरीके से एक ब्रांड की कॉपी करते थे, बारकोड भी और मार्का भी बरामद किए हैं, क्या संकेत है इधर? देखिए, ये अवैध कृत्य है इनका, और इसमें 420, 67, 871 सभी धाराएं हम लगा रहे हैं और इस पे कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे ताकि भविष्य में ये पूर्णतया इसको रोका जा सके। सर, जिस तरीके से निकाय चुनाव बहुत नजदीक है, क्या चुनाव के मद्देनजर शराब की खेप तैयार करी जा रही थी? देखिए, जैसा कि प्राथमिक पूछताछ में इन्होंने बताया है कि यहाँ यूपी में सख्ती की वजह से ये कार्य ये ट्रांसपोर्टेशन करके उत्तराखंड में करते थे, तो हालांकि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल ये इनसे बातचीत के क्रम में ये चीज़ नहीं आई है। देखिए, शराब उत्तराखंड में ले जाके और वहाँ बना के बेचने की बात आई है। कुछ इनके पास बनी हुई शराब भी बरामद हुई है, जिसको इन्होंने बताया है कि बनी हुई रखी थी इनके पास काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि ये यहाँ सख्ती चल रही है, इसको रियलाइज नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन करके उत्तराखंड ले जा। कब से इस शराब को बना रहे थे, कब से बेच रहे शराब? देखिए, ये पहली बार पकड़े गए हैं और इन्होंने प्राथमिक पूछताछ में बताया है कि काफ़ी समय से इनके पास ये कच्चा माल था और ये इनका पहला प्रयत्न, इन्होंने जो पूछताछ